आज की इस वीडियो में हम 2.4 एक्सरसाइज 9 क्लास की उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो क्वेश्चन में हमें उसे दो साइड्स दी हुई हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड को आपने प्रूव करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, इसको हल करने के लिए आपने क्या करना है, एक्स की पावर ए है। अब देखें नीचे बेस दोनों की सेम है तो नीचे पावर जो है नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाए, ए माइनस बी हो जाए। यहाँ पे इसकी पावर जो थी वो है ए प्लस बी, सेम इसी तरह इसका भी हो जाएगा एक्स की पावर बी और नीचे की पावर ऊपर जाएगी ये सी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर सी माइनस ए और इसकी पावर आ गई सी प्लस ए। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को जो पावर्स हैं आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। अब पावर देखिए ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो आपने क्या करना है, आप इसको स्केयर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगी एक्स की पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। फिर इसके बाद इसी तरह यहाँ पे देखिए बी माइनस सी और बी प्लस सी, इसको भी ऐसे करेंगे बी स्केयर माइनस ई स्केयर। थर्ड वन को भी इसी तरह एक्स की पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब देखें सब ही बेस सेम है, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है। जब बेस सेम हो और सेंटर में मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो और सेंटर में मल्टीप्लाई हो तो फिर आपने क्या करना है, पावरों को सम कर देना। यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर ए की पावर टू माइनस ए की पावर टू प्लस फिर ये वाली पावर ए की पावर टू माइनस ए की पावर फिर प्लस नेक्स्ट वाली सी की पावर टू माइनस ए की पावर टू। ठीक है जी, अब देखें ये ए की पावर टू प्लस का और ये ए की पावर टू माइनस का कैंसिल आउट हो गया, फिर बी की पावर टू माइनस का बी की पावर टू प्लस के साथ कैंसिल हो गया, सी की पावर टू प्लस का सी की पावर टू माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी क्या बचा, एक्स की पावर बची हमारे पास जीरो, और मैथ का रूल है जब भी किसी की पावर जीरो हो तो बराबर वन के होगा। तो यही हमने प्रूव करना था जो कि आपकी राइट हैंड साइड ये बात। अगर क्वेश्चन समझ ना आया हो तो वो मेरे साथ इस नंबर पे भी आप कर सकते हैं या नीचे कमेंट में अपना नंबर दे दें व्हाट्सएप का, तो मैं आपसे रब्ता कर दूँगा। जो भी क्वेश्चन अगर किसी को समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है या नहीं आ रही है।